हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे ये हीरो के जो पार्ट्स होते हैं ये ओरिजिनल होते हैं तो ओरिजिनल कैसे पहचाने और लोकल कैसे पहचाने। दोस्तों मैं और वीडियो की तरह ये नहीं बताऊँगा, ये ऐप लोड कर लो और ये बार कोड स्कैन कर लो। तो दोस्तों हर किसी के पास ऐप नहीं होता है और हर कोई बार कोड स्कैन नहीं कर पाता है। तो दोस्तों मैं सबसे आसान दो तरीके बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि चीज़ ओरिजिनल है कि लोकल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो पे आ गया हूँ और मैंने वीडियो के शुरू में बताया था मैं दो चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि चीज़ ओरिजिनल है कि लोकल है। तो दोस्तों हर एक ओरिजिनल पार्ट्स में, हर एक ओरिजिनल ओरिजिनल सामान में आपको ये दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक ये पट्टी मिल जाएगी और इधर ये साइड में पट्टी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले ही हम बताएंगे पहला स्टेप क्या करना है आपको अगर ओरिजिनल की पहचान करनी है। तो पहला स्टेप ये है इसमें आप अगर स्क्रैच करेंगे, ठीक दोस्तों ये देखिए मैंने स्क्रैच किया, इसमें आप स्क्रैच करेंगे। ठीक दोस्तों ये मैंने पूरा स्क्रैच कर लिया, इसमें हीरो लिखा होगा ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा स्क्रैच इस तरीके से उंगली से कर लीजिएगा और इसमें हीरो लिखा होगा तो पहली पहचान तो ये हो गई। ये देखिए दोस्तों ये स्क्रैच करने के बाद, ये देखिए दोस्तों ये स्क्रैच करने के बाद ये हीरो लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों आपको पहली पहचान ये हो गई कि ओरिजिनल की पहली पहचान ये होती है। और दोस्तों ये एक जगह नहीं लिखा होता, दो जगह लिखा होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रैच करके। और देखिए दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दोस्तों दो जगह लिखा होता है, ये देखिए एक ये हीरो लिखा हुआ है और एक ये हीरो लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों ये पहली पहचान हो गई है। अब मैं दूसरी पहचान आपको बता दे रहा हूँ, आप दूसरी पहचान आपकी ये है, ये देखिए दोस्तों मैं एक पार्ट्स में नहीं बताऊंगा, दो तीन स्क्रैच करके दिखाऊंगा ताकि आपको वीडियो फेक ना लगे। तो ये देखिए दोस्तों ये भी मेरे पास ओरिजिनल रखा हुआ है और इसे भी हम इस तरह से स्क्रैच कर देंगे। ठीक है दोस्तों ये देखिए दोस्तों मैं स्क्रैच करके आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें भी हीरो लिखा हुआ है। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इधर साइड भी किसी कॉइन वाइन से आप स्क्रैच करके देख लीजिएगा, ये देखिए दोस्तों इसमें भी हीरो लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों ये तो हो गया। और ये मैं तीसरी केबल मेरे पास है और उसको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों ये हीरो लिखा हुआ है इसमें भी, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ओरिजिनल की पहचान यही होती है, आप कोई ऐप कोई कुछ नहीं आप यूज़ करके ऐसे ही पहचान सकते हैं कि ओरिजिनल केबल की क्या पहचान होती है। ठीक है दोस्तों ये हो गई पहली इन्फॉर्मेशन। और दूसरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सरल है, ये देखिए दोस्तों इधर जर्मिन लिखा होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ गौर से देखिए, ये देखिए जी ई एन यू ये लिखा हुआ जर्मिन, देखिए दोस्तों गौर से अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, जी ई एन यू आई एन ई जर्मिन लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों ये दो पहचान होती है। तो दोस्तों आपको ये मेरी असली नकली की पहचान करने वाली वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पार्ट्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए या आपको प्राइस पार्ट के प्राइस के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।